सबसे पहले ना आर्नोल्ड लाइट देखते हैं। आर्नोल्ड लाइट के लिए हम लोग एक नॉर्मल टी पॉट ऐड करते हैं, प्लेन लेते हैं, प्लेन टॉप यूज से, और एक रैंडम साइज डाल देते हैं 3x3, ठीक है। सेंटर ऑफ द ग्रिड कर दिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे सेंटर ऑफ द ग्रिड कर दिया। उसके बाद टी पॉट यहाँ पे लिया, यहाँ पे प्लेस कर, ठीक है। प्लेस करने के बाद मुझे क्या करना है, इसके ऊपर नॉर्मल मटेरियल अप्लाई करना है। मटेरियल अप्लाई करने के लिए एम प्रेस कर लो, और जो बाय डिफॉल्ट टेक्सचर है वही ऐड कर लेते हैं फिजिकल मटेरियल का। इस पर क्लिक किया, दोनों को सिलेक्ट किया करके असाइन कर दिया, कलर में यहाँ पे वाइट कर देता हूँ उसे, ठीक है। रेंडर सेटिंग में जाओ, रेंडर सेटिंग में जाने के लिए प्रेस F10, रेंडर साइज F10 प्रेस कर लो, और एक छोटा सा साइज कर लेते हैं। हाँ, ये शिफ्ट क्यू, उसके बाद अभी इसके अंदर कोई भी लाइट्स नहीं है, फिर भी मुझे प्रॉपरली दिख रहा है। मुझे अभी एक एक करके लाइट्स ऐड करनी है। अर्नोल लाइट ऐड करने के लिए अर्नोल लाइट को क्लिक कर लो, एक ही लाइट है, एक ही लाइट के ऊपर क्लिक कर लो, और ये लाइट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या फिर लेफ्ट व्यू, कोई भी ऑर्थोग्राफिक व्यू से ऐड कर लो, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है। अगर आप कोई भी ऑर्थोग्राफिक व्यू यूज़ करते हो, ऑर्थोग्राफिक व्यू मतलब फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, पर्सपेक्टिव व्यू छोड़ के, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो एक सिंगल लाइट ऐड हो जाती है। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रही, एक सिंगल लाइट बेसिकली, एक्चुअली डिफॉल्ट लाइट दूसरा है, इसके मेश लाइट है, इसके वजह से नहीं आ रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट लाइट चेंज करके मैं कॉर्ड्स सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कॉर्ड सिलेक्ट करने के बाद अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिकली टारगेट क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके मशीन में भी कॉर्ड ही डिफॉल्ट लाइट रहेगी। अभी इसमें दो चीजें हैं, लाइट को ऑन और ऑफ करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी उसका जो भी चेंजेस है वो नजर आएगा, या फिर उसका टारगेटेड है, ये जो टारगेट है वो बंद करना नहीं चाहिए, तो भी कर सकते। उसमें ऑलरेडी जो लाइट डाले उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मूव करने के लिए वो बेटर रहता है। उसके बाद ये जो है वो डिस्टेंस है, पर्सपेक्टिव व्यू में जाओ और उसको क्या कर लो, इस लाइट को नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है। अभी लाइट को सिलेक्ट कर लो, दूसरी जो लाइट है वो मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, आप चाहिए तो डिलीट कर दो, ठीक है। अभी ये लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइट को सिलेक्ट कर लो, लाइट को सिलेक्ट करने के बाद उसके प्रॉपर्टीज में आ जाओ। प्रॉपर्टीज में ये जो रहता है उसका जो टारगेट कितने डिस्टेंस तक उस लाइट जानी चाहिए, तो ये यहाँ से उसका डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। कम करना है, कम कर लो डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स है, टाइप्स हम लोग ने ऑलरेडी कुछ कुछ टाइप्स देखे हैं। इसमें से हम लोग ने स्काईडोम देखा है, हम लोग ने फोटोमेट्रिक देखा है, हम लोग ने मेश देखा है। वैसे ही अलग अलग टाइप है, पॉइंट्स लाइट है, डिस्टेंस लाइट है, वो हम लोग धीरे धीरे उसमें भी एक एक ऑप्शन देखते हैं। स्प्रेड क्या रहता है, उसका जो एरिया रहता है वो एरिया वाइड करना है या फिर नैरो करना है, उसका डोर बेसिकली लाइट का, वो यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जितना हम लोग स्प्रेड बढ़ाएंगे
वाइड हो जाएगा, जितना कम करेंगे उतना नैरो हो जाएगा। ये नैरो है, एक एक करके स्प्रेड करना। रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन जो लाइट के रेज आ रही है उसकी क्वालिटी है बेसिकली, वो हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। कम मतलब एकदम कम या एकदम ज्यादा नहीं, उसके आसपास सपोज 300, थोड़ा सा जूम करके पता चल, सपोज 100 या फिर 1000, तो उसकी क्वालिटी लाइट्स की उस पे मेजर रहती है। उसके बाद क्वाड एक्स एंड वाई बेसिकली क्या करता है, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है उसको बड़ा या छोटा कर देता है एक्स एंड वाई डायरेक्शन से। तो वो जो लाइट का सोर्स है वो बेसिकली बड़ा या छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद राउंडनेस रहता है। राउंडनेस क्या रहती है कि जो भी लाइट आ रही है, आपको रेक्टेंगल लाइट चाहिए या फिर सर्कुलर लाइट चाहिए, वो यहाँ पे राउंडनेस के डिपेंड रहती है। अगर राउंडनेस 0 है तो हल्का सा रेक्टेंगल आएगा, अगर 1 करते हो तो कम्प्लीटली राउंड आ जाता है, ठीक है। अभी ये 0 होने के बाद भी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट एजेस 1 है। सॉफ्ट एजेस हम लोग अगर 0 करते हैं तो जो भी उसका स्प्रेड हो रहा है, जो शाइननेस आ रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते, ठीक है। सॉफ्ट एजेस है यहाँ पे मैंने रखा 1, राउंडनेस भी मैंने रखा 1। पोर्टल लाइट पे क्लिक कर लो। पोर्टल लाइट पे क्लिक किया तो राउंडनेस और सॉफ्ट शेडो सॉफ्ट एज वर्क नहीं करेगा, तो एक एज अ 1 लाइट ऑफ सोर्स यूज होगा। उसके बाद अगर मुझे लाइट, ये जो रेक्टेंगल है मुझे दिखाना है रेंडर में, तो ये ऑन कर दो तो रेंडरिंग में ये रेक्टेंगल दिखेगा। अगर मुझे नहीं दिखाना है व्यू पोर्ट में तो ये ऑफ कर दो, तो व्यू पोर्ट में इसकी जो भी है वो दिखेगा नहीं, लाइट शेप भी दिखेगा नहीं। उसके बाद कलर कौन सा रहेगा लाइट का, ये यहाँ से मेंशन करते हैं। लाइट का कलर सपोज मुझे दूसरा कोई भी लेना है, जैसे कि थोड़ा सा इस टाइप के लाइट लेना, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे ये नहीं होता, अपडेट नहीं होता, तो शिफ्ट क्यू दबा दो। शिफ्ट क्यू दबाने से फिर से अपडेट हो जाएगा अगर अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स है, मतलब अलग अलग लाइट टाइप के लाइट्स जो स्टूडियो में यूज होते हैं, बल्ब्स रहते हैं या फिर कुछ डोर लाइट रहते हैं, अलग अलग टाइप के लाइट्स रहते हैं, उसके प्रीसेट्स अगर यूज करने हैं तो प्रीसेट्स पे क्लिक करके इसमें जो जो प्रीसेट्स है उसमें से ऐड कर सकते हो। मुझे एक वार्म लाइट यूज करना है या फिर कूल लाइट बल्ब, जैसे शिफ्ट क्यू दबा दो, तो ये कुछ प्रीसेट्स है उसके, ऑटोमेटिकली उसका कलर वगैरह भी ले लेता है। तो अगर फोटोग्राफी की नॉलेज है किसी को स्टूडियो लाइटिंग का, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके लिए। मर्क्यूरी लाइट यूज करना है, शिफ्ट क्यू दबाओ, ऊपर से मर्क्यूरी लाइट जैसे इफेक्ट आ जाए। उसके बाद केल्विन करके ऑप्शन है। केल्विन क्या रहता है कि स्पेसिफिक रेंज में स्पेसिफिक लाइट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। लाइट हमेशा केल्विन में रीड करता है, यूनिट उसका केल्विन रहता है। तो कितना ब्राइट, कितना वार्म, इसका सनलाइट है या फिर इंडोर लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट है, तो उसका वैल्यूज अलग अलग रहता है। अगर नेट में सर्च करोगे केल्विन चार्ट करके, केल्विन लाइट चार्ट, तो यहाँ पे
वो आइडिया दे देगा कि अगर केल्विन की वैल्यू 10,000 के है तो वो आउटडोर लाइटिंग के लिए यूज हो रहा है। केल्विन की लाइट वैल्यू सपोज 1,000 के रेंज में तो वो इंडोर लाइट है, इंडोर के अंदर भी हेलोजन लाइट है, इनकैंडेसेंस मतलब बल्ब वाली लाइट है, तो हर एक उसकी वैल्यू डिफर करती है। ये भी अगर लाइटिंग स्टूडियो लाइटिंग की किसी को नॉलेज रहेगी तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। तो ये चार्ट यूज करके जो रियलिस्टिक लाइट हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी केल्विन का चार्ट दिया है कि अभी बाय डिफॉल्ट हमारी केल्विन वैल्यू कितनी है, 6,500। तो 6,500 अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ पे रहेगी, तो इस टाइप की लाइट 6,500 इस टाइप की कुछ लाइट ऐड होगी। सपोज हम लोग उसकी वैल्यू 1,000 कर लेते हैं, एंटर मार दो, देखो उस साइड की उस टाइप की लाइट आ रही है, अपडेट भी हो रहा है। ये 1,000 चाहिए दो, थोड़ा सा ये कर देते। अगर मैं उसकी वैल्यू करता हूँ 10,000, लाइट को सिलेक्ट कर लो, तो एक्सट्रीम ब्राइट लाइट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ से अपडेट हो रही है, तो ये स्काईलाइट जैसे लाइट आ रही है। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग लाइट्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद है टेक्सचर्स लाइट। टेक्सचर के लिए मैं अलग से मैप ऐड कर सकता हूँ, लाइट मैप ऐड कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, नो मैप के क्लिक करके यहाँ पे बिट मैप ऐड करके कोई भी बाहर का लाइट का ऑप्शन है वो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास अभी फिलहाल ये नहीं है टेक्सचर लाइट, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। वो करोगे तो उस टाइप के टेक्सचर लाइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं कलर में रख रहा हूँ। उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ से रेंडर 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 कहाँ पे। ठीक है, उसका इंटेंसिटी कम ज्यादा करने के लिए, इंटेंसिटी मेनली उसका पावर रहता है, पावर बढ़ाना है कम करना है, 0.5 करना है। बाद में ये जो रहता है इतना ब्राइट हुआ है वो उसका एक्सपोजर है, एक्सपोजर कम करना है बढ़ाना है। जैसे उसका एक्सपोजर किया 20 तो कम्प्लीटली ब्राइट हो गया, कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर ऐड हो गया, या कम कर लेते हैं 5 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं, तो इंटेंसिटी एक्सपोजर का कम हो गया। अगर नॉर्मलाइज एनर्जी करते हो तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी तो नॉर्मलाइज वर्क होगा। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैंने किया 25, तो धीरे धीरे वो इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपोजर सपोज मैंने किया 20 या फिर 10, तो उसका धीरे धीरे इफेक्ट आना, तो डीके वगैरह ऐड हो जाता है अगर नॉर्मलाइज एनर्जी ऑन किया तो। डीके क्या रहता है, लाइट के नजदीक रहेगा वहां पे ज्यादा लाइट दिखेगी, लाइट के जितना फार ऑब्जेक्ट है उतनी उसकी इंटेंसिटी कम कम होते जाएगी। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर ले। स्टूडियो लाइट है तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, अगर स्काईलाइट यूज कर रहे हो तो नॉर्मलाइज ऑफ करो। उसके बाद रेंडरिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे रेंडरिंग के ऑप्शन में दिखाया जाता है कि क्वालिटी कितनी बेटर हो सकती है लाइट से। तो क्वालिटी का ये ग्रेन्स दिख रहे हैं, ग्रेन्स कम कर देता है रेंडरिंग सैम्पलिंग, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा बेटर आ जाएगा, और थोड़ा सा बेटर आ जाएगा जितना आप बड़ा होगा, मगर उससे क्या होगा रेंडर टाइम भी बढ़ेगा,
और फाइल भी हेवी हो जाएगी। वॉल्यूम सैंपल्स अगर है, वॉल्यूम सैंपल कब यूज करते हो, अगर फॉग वगैरह जैसे लाइट यूज करते हो तब यूज कर सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो बस यहाँ की वैल्यू 4 to 5, ज्यादा रेंज में नहीं लेनी है, तो ये पहले से बेटर आ रहा है। उसके बाद शेडोज है, शेडोज आपको ऐड करनी है। तो उसकी शेडो देखो, ये साइड अभी नहीं आ रही है, या फिर ऑन करनी है। और ऑटोमेस्फियर शेडो क्या रहता है, ओवरऑल सीन में जो लाइट रहती है डिफॉल्ट, उसकी शेडो ऑन और ऑफ करनी है। अभी फिलहाल एक ही लाइट, तो इतना फर्क नजर नहीं आएगा। उसके बाद शेडो का कलर मुझे अलग करना है, कुछ थोड़ा सा आर्टिस्टिक टाइप का लाइट मुझे चाहिए, तो मुझे शेडो का कलर इसमें ही थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए। तो शेडो का कलर जैसे मुझे चाहिए वैसे अभी आ रहा है। परफेक्ट। अगर मुझे इसकी ओपेसिटी या फिर डेंसिटी कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। तो लाइट जो शेडो का कलर जो ये है, तो शेडो की डेंसिटी यहाँ से कम ज़्यादा, 0 किया तो कम्प्लीटली वो कलर की ओपेसिटी बेसिकली पूरी 0% हो जाएगी। 1 मतलब उसका ओपेसिटी 100% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन करके एक ऑप्शन है, जो आपको F10 दबाओगे, F10 दबाओ